नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ क्या चेस्ट में पेन या छाती में अगर दुख रहा है तो क्या हम उसे हार्ट का सिम्टम बोल सकते हैं या दिल का लक्षण बोल सकते हैं या नहीं बोल सकते। अक्सर ये कोरोना जैसे माहौल में लोग बहुत ही पहले से डरे हुए, और जहाँ तक बात करें दिल के बारे में, अगर छाती में दर्द हो रहा है तो लोग ऐसे सोचते कि या हार्ट अटैक आने वाले कि नहीं आने वाले, क्योंकि अगर दिल में दर्द हो रहा है तो बहुत सारे जन पहले से घबरा जाते। तो आज इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि डिस्टिंग्विश करने वाला हूँ कि अगर आपको छाती में दर्द हो रहा है तो ये हार्ट का लक्षण है कि नहीं है। तो सबसे पहले बात करते हैं लक्षणों के बारे में कि हार्ट का लक्षण कैसा रहता है। सबसे पहले आपके छाती पे बहुत ही ज़्यादा भारीपन आ जाता है, भारीपन आ जाएगा, और ये जो दर्द है वो हमेशा लेफ़्ट साइड पे होगा, आपके लेफ़्ट साइड के चेस्ट में ही पेन होगा, और वो पेन लेफ़्ट साइड ऑफ द हाथ, ये जो आपका लेफ़्ट हैंड है वहाँ पे भी, हाथ है वहाँ पे भी ट्रांसफ़र हो सकता है। आपकी ये गर्दन, ये वाला हिस्सा, आपका जो लेफ़्ट शोल्डर है, हाथ, यहाँ पे आपका पेन बहुत ज़्यादा होगा। और ये दर्द जब आप कुछ मेहनत करते हो या कुछ एक्सरसाइज कर रहे हो या चल रहे हो तभी बढ़ रहा है, और जब आप बैठे हुए तभी ये दर्द नहीं हो रहा है। अगर ऐसा टाइप का अगर आपको दर्द है तो आपको समझना चाहिए कि यह हार्ट का लक्षण हो सकता है। और एक हार्ट का लक्षण अगर मैं बताऊँ स्पेसिफिकली हार्ट अटैक के लिए, कि मान लीजिए जैसे मैंने बताया, अगर आप चल रहे हो तो आपको बहुत दर्द हो रहा है, और जब आप नहीं चल रहे हो तब आपको नहीं हो रहा है। बट कभी कभी ऐसे भी केस आ जाते हैं जहाँ पे आप कुछ काम नहीं कर रहे हो, आप खाली बैठे हुए हो, बस कुछ काम नहीं कर रहे हो, फॉर मोबाइल यूज़ कर रहे हो या कुछ बुक किताबें पढ़ रहे हो या टीवी देख रहे हो, बट ये समय पे भी अगर आपको बहुत ज़्यादा ये जो लेफ़्ट साइड है वहाँ पे, छाती के लेफ़्ट साइड पे अगर आपको बहुत ज़्यादा भारीपन आ रहा है, बहुत दर्द हो रहा है, आप दर्द नहीं सहन कर पा रहे हो, ऐसे पकड़ के बैठे हो उसे, और वही दर्द यहाँ पे ट्रांसफ़र हो रहा है, और ये सब बैठे बैठे बढ़ रहा है, और साथ ही साथ वहाँ पे पसीना भी आना चाहिए, हमारे जो चेहरे पे वहाँ पे पसीना आ सकता है, और हमारे हाथों पे पसीना आना चाहिए, चेस्ट पे पसीना आएगा, थोड़ा सा चक्कर जैसा फीलिंग हो रहा है, और सांस लेने में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है। अगर ये सब लक्षण आ रहे हैं बैठे बैठे, और साथ ही साथ अगर चेस्ट पेन हो रहा है, तो आपको समझना चाहिए कि ये हार्ट अटैक के लक्षण हो सकते। तो दोस्तों, जैसे मैंने बोला है कि हार्ट अटैक के ये सब लक्षण है, या दिल के ये सब, अगर हार्ट के दिल में कुछ प्रॉब्लम है तो ये सब लक्षण आ रहे हैं, और बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं जिससे हमारे छाती में दर्द हो सकते हैं। जैसे सबसे पहले है सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, ये गर्दन की बीमारी रहती है, इसमें भी हमारे जो चेस्ट है वहाँ पे पेन होता है, और ये पेन दोनों हाथों में भी होता है, बट जहाँ तक बात करें हार्ट के बारे में या दिल के बारे में, उसका पेन, उसका दर्द खाली लेफ़्ट साइड ऑफ द चेस्ट और लेफ़्ट हैंड में ही होता है। जो दूसरा चेस्ट का पेन हो सकता है वो है मस्कुलर पेन। मान लीजिए अगर आपने कोई भारी चीज़ उठाई अपने हाथों से, लेफ़्ट हैंड से अगर आपने कोई भारी चीज़ उठाई, उसके कारण यहाँ के जो मांसपेशी है, मसल्स है, वो खींच जाते हैं, और उसके कारण भी दर्द हो सकता है। जो तीसरा है वो है गैस्ट्राइटिस, मतलब कि एसिडिटी के वजह से कुछ पेट में कुछ आपने ऐसा कुछ खा लिया है, ऑयली वाला खा लिया, जिसके कारण आपको बहुत ज़्यादा गैस हो रहा है, और वो गैस आपके यहाँ चेस्ट पे आके जमा हो गया है, तो उसके कारण भी चेस्ट पेन हो सकता है। तो दोस्तों, अक्सर जब भी हार्ट के लक्षण हो और साथ ही साथ अगर आपको पसीना आ रहा है तो आपको समझना चाहिए कि ये हार्ट के लक्षण है। क्योंकि पसीना क्यों आता है जब भी हमारे हार्ट के लक्षण है, क्योंकि जब भी हमारे चेस्ट पेन होती है तभी हमारे हार्ट के तीन नली रहती है, तीनों नली में से कोई भी एक नली में अगर ब्लॉकेज आ जाती है तो हमें चेस्ट पेन होता है। अगर तीन नली में से कोई एक नली में ब्लॉकेज आ जाता है तो फिर हार्ट को खून नहीं, हमारे जो दिल है उसको खून नहीं मिलता, इसके कारण हार्ट क्या करता है, ज़्यादा पंप करता है। ज़्यादा पंप करने के कारण हमारा जो शरीर या बॉडी का जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और हमारे शरीर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़े नहीं इसीलिए हमें बहुत ज़्यादा पसीना आता है। तो हमेशा हमें याद रखना चाहिए कि हमारे छाती में दर्द है और वो दर्द लेफ़्ट साइड पर जा रहा है, अगर काम करने से बढ़ रहा है तो, और बैठने से कम हो रहा है, तो हमें ये अंजाइना समझना, इसे हम अंजाइना भी बोलते हैं, इसे हम अंजाइना समझना चाहिए, और इसे 60, इसमें अगर देखें तो कम से कम 50-60% हमारे चेस्ट में ब्लॉकेज आ गए हैं, इस हार्ट में ब्लॉकेज आ गए, इसलिए हमें दर्द हो रहा है। और जहाँ तक बात करें हार्ट अटैक के बारे में, जहाँ बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है, चक्कर जैसा फील हो रहा है, और सांस लेने में बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है, यहाँ पे करीब करीब 80-90% ब्लॉकेज हो चुके हैं।
एक और मैं बात आपको बता दूं कि मान लीजिए किसी को हार्ट अटैक आ जाया है, तो हार्ट का कैसा है कि आज अगर आपको हार्ट अटैक आया है तो इसकी बीमारी कम से कम 8 या 9 साल पहले से चालू हुई है, तब जाके आपको आज हार्ट अटैक आया है। क्योंकि हार्ट की बीमारी एक ऐसी बीमारी है जिसमें हार्ट को बीमारी चालू हो गई है बट उसके लक्षण बहुत जल्दी हमें दिखने को नहीं मिलते। तो अगर आपको चेस्ट पेन हो रहा है तो आपको समझना चाहिए कि आपके हार्ट के प्रॉब्लम है। अभी हम ऐसे क्या करें, कौन सी, अगर आप पूछोगे मुझे कि अभी क्या करना चाहिए तो जिससे हमें और ज़्यादा पता चले कि ये हार्ट के लक्षण है कि नहीं है, तो जैसे मैंने बताया कि अगर चलने से बढ़ रहे और बैठने से कम नहीं पेट दर्द नहीं हो रहा है तो हम ट्रेडमिल टेस्ट करा सकते हैं या सीटी कोरोनरी टेस्ट करा सकते हैं अगर आपको चलने से हो रहा है दर्द हो रहा है और बैठने से नहीं हो रहा है। और एक और, अगर आपको बैठे बैठे दर्द हो रहा है तो आपको फिर ECG कराना चाहिए और ट्रॉप्टी कराना चाहिए। ट्रॉप्टी एक ऐसी टेस्ट है जिसमें एक ब्लेड रहती है, मतलब एक ट्यूब, उसमें अगर आप 2 बूंद आपके खून के डालते हो तो उससे आपको हमें पता चल जाता है कि ये हार्ट अटैक का पेशेंट है कि नहीं है। तो दोस्तों ऐसा है हार्ट अटैक का कि अगर आपको चेस्ट में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है और वो पेन आपके लेफ़्ट साइड के हाथ में जा रहा है, चलने से बढ़ रहा है और बैठने से कम हो रहा है, अगर ब्लॉकेज बहुत ज़्यादा हो गए, 80-90% ब्लॉकेज हो गए, तो फिर आपको बैठे बैठे ही दर्द हो सकता है, तो आपको समझना चाहिए कि ये हार्ट अटैक के लक्षण है। और एक और बार बता दूं कि ये जो हार्ट के लक्षण है वो डायबिटीज़ पेशेंट में होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि डायबिटीज़ पेशेंट में खून उन लोगों का बहुत ज़्यादा मोटा हो जाता है, तो मोटा होने के कारण ब्लॉकेज बहुत जल्दी बन जाते, तो इसलिए डायबिटीज़ वाले पेशेंट जो है वो अक्सर ध्यान दे कि आपको अगर कोई भी अगर ऐसा लक्षण आ रहा है जिस पे आपकी छाती में बहुत ज़्यादा भारीपन है, लेफ़्ट साइड ऑफ द चेस्ट में अगर बहुत पेन हो रहा है और वही पेन अगर आपके लेफ़्ट हैंड में ट्रांसफ़र हो रहा है, तो आप तुरंत ही तुरंत ये टेस्ट करवाएं और कंफर्म करें कि आपके ये हार्ट के लक्षण है कि नहीं है। तो फ्रेंड्स यही था आज के वीडियो में, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया रहेगा और साथ ही साथ अगर आपको लगता है कि ये किसी के लिए मददगार है तो आप उन्हें शेयर कीजिए। तो फ्रेंड्स थैंक यू एंड टिल देन गुड बाय।